Hi everyone, assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th physics chapter number 1 physical quantities and measurement. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। इसके अलावा रिगार्डिंग योर क्यूरीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर मेरा नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझे कॉल, SMS या व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का दूसरा नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी है, क्योंकि इसे माइक्रोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रो लेवल तक लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले बुक पर चलते हैं और देखते हैं कि बुक पर ये टॉपिक कहाँ पर अवेलेबल है। ये है आपकी बुक, यहाँ पर ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज गिवन है, इसको हमने पेज नंबर 13 पर आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है क्या, यानी जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसकी तारीफ क्या है। तो स्क्रू गेज की डेफिनेशन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। स्क्रू गेज इज अ मैकेनिकल टूल डेट अलाउज प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर, रेडियस और अ थिकनेस ऑफ अ थिन वायर और अ थिन ग्लास और अ थिन मेटल शीट। यानी कि ये एक ऐसा आला है जो कि हमें हेल्प करता है किसी वायर का डायमीटर कितना है। तो तारें बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, तो उसका डायमीटर और उसका रेडियस मेजर करना ये आम इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रू गेज एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम किसी भी बारीक वायर का डायमीटर, उसका रेडियस और इसी तरह ग्लास या मेटल की शीट की मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तीन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है, एक तार का डायामीटर यानी किसी भी वायर का डायामीटर या रेडियस, इसके अलावा ग्लास शीट उसकी थिकनेस या मेटल शीट उसकी थिकनेस कितनी है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले हमने इसको देखना है कि ये इसकी बनावट कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि डेफिनेशन से तो पता चल गया कि ये क्या काम करता है, लेकिन ये बना किस तरह का हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। देखिए, इसकी सबसे लेफ्ट साइड पे, स्टड होता है जो कि फिक्स होता है, यानी कि इससे आगे आपका स्क्रू गेज पेमाइश नहीं कर सकता, ये इसका एंड पॉइंट है, इसके दरमियान में किसी चीज़ को रखना है। तो इस चीज़ को जो कि सबसे लेफ्ट साइड पर फिक्स होती है उसे कहा जाता है स्टड। स्टड के साथ स्पिंडल आकर मूव करता हुआ स्पिंडल आके अटैच होता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं स्पिंडल, ये मूवेबल होता है और ये सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ स्टड के साथ आके अटैच हो जाता है। तो ये जो दरमियानी डिस्टेंस है फिर या ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, या ये उतना डिस्टेंस पे खुल जाता है जितना हमने ऑब्जेक्ट इसके दरमियान में प्लेस किया जाता है। इसके साथ होता है लॉक, यानी कि यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रखने के बाद जब हम इसको स्पिंडल को मूव करवाते हुए स्टड और इसके दरमियान में जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके फासले जितना इसको ओपन कर लेते हैं, तो इस लॉक की मदद से हम इसको टाइट कर देते हैं, ये फिर ना स्पिंडल आगे जाता है ना पीछे की तरफ मूव करता है। तो लॉक क्या करता है, इस स्पिंडल को लॉक कर देता है, होल्ड कर देता है। इसके साथ क्या होता है, ये स्पिंडल जो है ये मेन स्केल के साथ अटैच होते हैं, मेन स्केल्स के ऊपर रीडिंग्स होती हैं। इसकी जो ये सेंटर वाली लाइन, ये आपको ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, इसे कहते हैं इंडेक्स लाइन, ठीक है। इस लाइन ने यहाँ पर सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होती है उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये लाइन हमें बताती है कि सर्कुलर स्केल की किस रीडिंग के साथ ये अटैच है, ये मैच कर रही है, तो इसे मेन स्केल कहते हैं। जिस तरह वर्नियर में हमने पढ़ा था एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, इसी तरह इसमें भी एक मेन स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल पर रीडिंग होती है और ये रीडिंग यानी कि स्क्रू गेज पे 100 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन होते हैं, यानी कि ये जीरो से स्टार्ट होता है और इस पे 100 पॉइंट्स होते हैं, 100 लाइन होती हैं ये छोटी, और इन लाइन्स को किस तरह पढ़ा जाता है, इन
इस इंडेक्स लाइन के थ्रू, यानी कि ये इंडेक्स लाइन बताती है कि ये कितनी लाइन के साथ मैच है, ठीक है। और इसके आगे होता है थिम्बल। थिम्बल जो होता है ये आवाज क्रिएट करता है, यानी कि ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ, ये होलो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये मूव करता हुआ जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइट हो जाता है तो इस थिम्बल में से एक नॉकिंग साउंड आना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रहे कि आपने जब भी स्क्रू गेज को इस्तेमाल करना है तो आपने इसको थिम्बल से मूव नहीं करना, थिम्बल से सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करना, बल्कि रैचेट से पकड़ना। लास्ट पोर्शन होता है इसका रैचेट, रैचेट से पकड़ना है और इसको टाइट करना है। जैसे ही आप टाइट करते जाते हैं और आपका स्पिंडल स्टड के साथ अटैच हो जाता है तो उस वक्त थिम्बल से एक नॉकिंग साउंड आता है कि ये मैक्सिमम टाइट हो चुका है। तो हमने उस वक्त टाइट करना बंद कर देना और यहाँ से आके लॉक को टाइट कर देना है, ताकि स्पिंडल और स्टड के दरम्यान में जो ऑब्जेक्ट है उसका जितना डिस्टेंस है वो उसी तरह रहे, ताकि वो आगे पीछे मूव ना हो, हमारी रीडिंग में किसी किस्म का मसला ना आए। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखें ये इंडेक्स लाइन आपको नजर आ रही है, ये तो बताएगी कि ये यहाँ पर 70 लाइन के साथ मैच है या 60 लाइन के साथ मैच है। लेकिन ये मेन स्केल की रीडिंग कौन बताता है, ये आपका सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल की जो लाइन नजर आ रही है आपको ब्लैक कलर की, ये देखें 5 से आगे 6 और 7 से आगे 6 और 7 के दरमियान में ये लाइन मौजूद है। तो हमें सर्कुलर स्केल का जो एंड पॉइंट है, जो किनारा है, वो मेन स्केल की रीडिंग बताता है और मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन है वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग बताती है। तो इन दोनों रीडिंग्स को मिलाकर हमने वैल्यू जो है वो बनानी होती है, किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस क्या है, डायमीटर क्या है या रेडियस क्या है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लिया, अब ये किस काम आता है। डेफिनेशन से तो हमें पता चल गया कि ये किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर भी मेजर करके देता है, किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस भी मेजर करके देता है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या थिकनेस भी मेजर करके देता है, तो डेप्थ भी मेजर करके ये देता है। तो ये हमने चीज़ें डेफिनेशन से पढ़ ली हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं कि कौन कौन से स्क्रू गेज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए। ये देखिए लेंथ को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल होता है, ये एक हमारे पास नेल है, ठीक है, ये एक पेच है, इसको हम इसमें फिक्स करके इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आउटर डायामीटर मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बाहर से कितना गोल है, उसका डायामीटर कितना है एक एंड से दूसरे एंड तक सेंटर पॉइंट से गुजरते हुए, तो किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर आउटर डायामीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह ये बॉल फिक्स है इसमें, तो ये बॉल का डायामीटर बताता है। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट का इनर डायामीटर कितना है, दरमियान से उसका जो होल है वो कितने लेंथ पे मुश्तमिल है, उसका इनर डायामीटर, ये जैसे ये एक वाशर पड़ी हुई है, इस वाशर का सेंटर से डायामीटर इस किनारे तक कितना डायामीटर है, खुलाव कितना है, लेंथ कितनी है, उसको मेजर करने के लिए भी स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप शेप देख रहे हैं, अलग अलग स्क्रू गेज जो है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के मुताबिक बने होते हैं और अलग अलग काम करके हमें देते हैं। इसी तरह डेप्थ को मेजर करने के लिए भी हमें स्क्रू गेज की हेल्प लेनी पड़ती है, और ये डेप्थ को मेजर करने के लिए इस तरह का स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर वाले पॉइंट से, सेंटर से एक बारीक सी वायर जो है वो निकलती है, ठीक है, और वो डेप्थ तक जाती है और जाके कि ना एंड पॉइंट तक जो है वो अटैच होती है। उस वक्त ऊपर से नॉकिंग साउंड आता है थिम्बल से, तो हमें पता चल जाता है कि ये इस स्क्रू गेज का जो ये सेंटर वाला पॉइंट था, जो इसमें से स्टिक निकल रही थी, ठीक है, एक वायर निकल रही थी, वो नीचे जाके अटैच हो गई है, तो मैक्सिमम डेप्थ इस ऑब्जेक्ट की इतनी है। तो स्क्रू गेज मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किस हद तक ये पेमाइश करता है, यानी कि लीस्ट काउंट भी हमने इसका मेजर करना है। जैसे हमने सबसे पहले मीटर रूल में पढ़ा था कि मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर तक सही पेमाइश कर सकता है, इससे अगर ऑब्जेक्ट छोटा है या 2 मिलीमीटर के दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उसकी पैमाइश वो मीटर रूल नहीं कर सकता। तो मीटर रूल की मिनिमम मिनिमम पैमाइश कितनी है, 1 मिलीमीटर, तो वो उसका था लीस्ट काउंट। फिर हमने उसको फर्दर इम्प्रूव किया, वर्नियर पे चले गए,
वर्नियर स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पेमाइश करता था, तो वो वर्नियर का लीस्ट काउंट था। और जबकि स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की सही पेमाइश करता है, क्योंकि अभी हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा तो वहां पे जो डायग्राम थी उसमें सर्कुलर स्केल पर 100 नंबर लगे हुए थे, यानी कि 100 लाइन थी। तो स्क्रू गेज जो है वो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की पेमाइश करता है। अब लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ी सी इसकी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। देखें, थिम्बल के ऊपर अभी मैंने आपको बताया 100 लाइन से, थिम्बल हैज 100 डिवीजन अराउंड इट्स वन एंड, एक तरफ उसके 100 डिवीजन होती है। इट इज अ सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज, ये सर्कुलर स्केल होता है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। एज थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जब थिम्बल आपने मुकम्मल एक रोटेशन दे दी थिम्बल को, तो 100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन, तो वो जो इंडेक्स लाइन थी यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ तो अल्टीमेटली 0 पे आ गया, तो 100 डिजिट्स जो हैं, 100 डिवीजन जो हैं वो इंडेक्स लाइन पास करती है। एंड द थिम्बल मूव 1 मिलीमीटर, तो उस वक्त थिम्बल 1 मिलीमीटर आगे आ जाता है, यानी कि थिम्बल मूव करने से, थिम्बल को अब जब हम मूव करवाते हैं तो जब थिम्बल मूव करता है तो 1 मिलीमीटर आगे चला जाता है, और उस वक्त इंडेक्स लाइन 100 डिजिट्स जो है, 100 डिवीजन जो है वो सर्कुलर स्केल के मूव कर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक डिजिट पूरी एक रोटेशन से मेन स्केल पे एक डिजिट मूव हुआ, जबकि सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन मूव हुई। ठीक है, तो दस ईच डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव द थिम्बल थ्रू 1/100, यानी कि 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल, तो दिस इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। तो ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की पेमाइश करते हैं, और यही इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में डिवाइड करना है तो 0.01 मिलीमीटर को फर्दर आप 10 पे डिवाइड करें तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मेजर करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर लगे हुए हैं, जब हम एक कंप्लीट रोटेशन इसको देते हैं ना, तो ये एक पॉइंट यहाँ से, इस वक्त ये देखें ये 15 है और ये 16, ये आपको ब्लैक छोटी सी लाइन नजर आ रही है, जब ये पूरा सर्कल तय करके आगे आएगा तो ये 16 की बजाय 15 पे हो जाएगा, और उस वक्त ये इंडेक्स लाइन यहाँ की 100 लाइन मूव कर जाएगी, तो सर्कुलर स्केल एक डिजिट आगे आ जाता है जबकि इंडेक्स लाइन 100 डिवीजन मूव कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसका लीस्ट काउंट होता है 1/100। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो लीस्ट काउंट की कैलकुलेशन किस तरह होगी, लीस्ट काउंट पिच ऑफ द स्क्रू गेज की पिच कितनी होती है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कि एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला होता है 1 मिलीमीटर, जो कि मेन स्केल पे होता है, तो उसकी पिच कितनी हुई, एक, जबकि नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे होती है 100, 100 डिवीजन होती हैं, तो हम क्या करते हैं एक को 100 पे डिवाइड करते हैं तो 0.01 मिलीमीटर आंसर आ जाता है। तो ये जो है इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01, या इसको फर्दर 10 पे डिवाइड करेंगे 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो ये इसकी लीस्ट काउंट की कैलकुलेशन थी। अब जब ये वर्किंग कर रहा होता है स्क्रू गेज, तो वर्किंग के दौरान इसके बहुत सारे एरर्स भी होते हैं, कुछ अच्छे और प्रिसाइज किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमें अच्छी पेमाइश देते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन जीरो एरर वाला स्क्रू गेज, यानी इसमें किसी किस्म का जीरो एरर नहीं होता, वो एग्जैक्ट पेमाइश देता है जो हमें चाहिए होती है। कुछ होते हैं जो कि पेमाइश में फर्क डाल देते हैं, कभी ज्यादा पेमाइश बता देते हैं, कभी कम पेमाइश बता देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा पेमाइश बताए उसमें भी मसला होता है, जो ऑब्जेक्ट जो स्क्रू गेज कम पेमाइश बताए उसमें भी मसला होता है। तो वर्किंग के दौरान अगर तो आपका स्क्रू गेज करेक्ट है तो आपको किसी किस्म की फाइनल कैलकुलेशंस में मसला नहीं है, ना उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू आई वो हमारी फाइनल है, क्योंकि स्क्रू गेज क्या है, बिल्कुल ओके है। लेकिन बाज़ुकात एरर आ जाता है, एरर कैसे आता है, तो जब एरर आएगा तो उसे ठीक करने की ज़रूरत होती है, और ये एरर दो तरह का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, यानी कि जब आपका स्क्रू गेज जो है वो उसकी इंडेक्स लाइन से जीरो आगे चला जाए, तो इसका मतलब है, सॉरी, वो पीछे रह जाए, इंडेक्स लाइन से जीरो पीछे रह जाए, तो
तो वो पैमाइश आपको क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा, उसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो एक्चुअल वैल्यू में उसको लेस कर देंगे। और इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर होता है कि आपका सर्कुलर स्केल मूव करता हुआ जीरो आगे चला गया, यानी इंडेक्स लाइन ये थी और जीरो यहां पर था, ठीक है। तो उस वक्त आपका जो जीरो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर होता है, क्योंकि उसने पैमाइश कम बतानी है। इंडेक्स लाइन से जीरो जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है, तो उस वक्त जो पैमाइश आएगी वो उस सब्जेक्ट की कम आएगी, तो हम एक्चुअल पैमाइश में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उस वक्त वो जीरो एरर होता है नेगेटिव, और उसकी करेक्शन जो होती है वो प्लस करना होता है, हमने ऐड करना होता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा दो चीज़ें, पॉजिटिव जीरो एरर यानी कि जीरो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, जीरो एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी, ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जीरो एरर कैसे होते हैं, यानी कि जीरो एरर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कब आ जाते हैं और किस तरह का जीरो एरर होता है। नो जीरो एरर कब, जब इंडेक्स लाइन सर्कुलर की जीरो जीरो से मैच कर जाए। ये देखें, ये था जीरो, ठीक है, और ये इंडेक्स लाइन नजर आ रही है आपको, इंडेक्स लाइन का ये जीरो और ये एग्जैक्ट इस सर्कुलर स्केल का एंड पॉइंट, ये यहां पर है और ये जीरो वाली इंडेक्स लाइन इसके जीरो से मैच है। तो इस वक्त किसी किस्म का जीरो एरर नहीं है, क्योंकि इंडेक्स लाइन बिल्कुल जीरो के सामने है, तो हमारा कोई जीरो एरर नहीं है। और इस वक्त आपका सर्कुलर का एंड भी जीरो वाली लाइन के साथ टच कर रहा हो। टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड, वो जो स्पिंडल और स्टड है आपने उसको बिल्कुल बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, इसके दरमियान में किसी किस्म का गैप ना हो। तो उस वक्त आपने चेक करना है कि क्या ये वाला जीरो इस जीरो के साथ मैच कर रहा है, कब, जब स्पिंडल और स्टड, ठीक है, इन दोनों को आपने मिला के इनके दरमियान का गैप जीरो कर दिया, ये दोनों मिल गए, उस वक्त चेक करना है, ठीक है। तो जीरो अगर जीरो के साथ मैच है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन, देन द जीरो एरर विल बी द जीरो एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, इस वक्त कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन जीरो एरर आता है कब, अब पॉजिटिव वाला भी होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब आता है, जब आपका जीरो जो है वो पास करके आगे को निकल जाए या पीछे को रह जाए, उस वक्त एरर आते हैं। तो पॉजिटिव कब आता है, जब जीरो पीछे रह जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये इंडेक्स लाइन थी लेकिन जीरो अभी नीचे था, यानी कि ये जाके मैच हुआ 18वीं लाइन से, ठीक है, 18th लाइन जो है वो मैच हुई है, अभी तो जीरो नीचे था, अभी इसने ऊपर आना था। तो जीरो एरर विल बी द पॉजिटिव इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड, यानी पीछे रह जाए द इंडेक्स लाइन। ये इंडेक्स लाइन थी, इसके साथ यहाँ पे आके जीरो ने मैच होना था लेकिन वो नहीं हुआ, वो पीछे रह गया, ठीक है। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज टू फाइंड द जीरो एरर एज शोन इन द फिगर, यानी कि उस वक्त आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये इंडेक्स लाइन ये वाली ये कितने नंबर के साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब है 18वें नंबर के साथ मैच कर रही है, तो 18 लिखना है और उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना। वो फाइनल वैल्यू में हम लेस करेंगे क्योंकि उसने उतनी वैल्यू हमें ज्यादा बताई है, हमने उस वैल्यू को क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए 18 डिवीजन प्लस में है, तो हमने इसकी जीरो करेक्शन भी करनी है, ठीक है। इसी तरह जो जीरो एरर होता है वो आपका नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव जीरो एरर कब होता है, जब आपका जीरो आगे निकल जाए, इंडेक्स लाइन जो थी इससे जीरो आगे चला जाए, तो उस वक्त आपका जो एरर होता है जीरो एरर वो नेगेटिव हो जाता है। देखिए, जीरो एरर विल बी द नेगेटिव इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन को ये क्रॉस कर गया और आगे चला गया, उस वक्त ये एरर जो होता है वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट क्रॉस द इंडेक्स लाइन, उस वक्त आपने देखना है कि कितनी लाइंस ने इंडेक्स लाइंस को क्रॉस किया, मतलब ये था इंडेक्स लाइन और ये पांच लाइंस आगे चले गई, 1, 2, 3, 4 और ये जीरो था, तो ये पांच लाइन आगे चले गई, तो पांच लिख के उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना 0.01 मिलीमीटर से, तो आपके पास 0.05 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब हमने क्या करना है, क्योंकि एरर क्या था, नेगेटिव, तो हमने इसकी करेक्शन क्या करनी है, पॉजिटिव।
यानी कि जो फाइनल वैल्यू आएगी हमने उसमें ऐड कर देना, पॉजिटिव यानी इसको ऐड कर देंगे। तो उस वक्त हमने जीरो करेक्शन क्या करनी है, ऐड करनी है। इस वक्त ये देखें, ये जीरो था और ये इंडेक्स लाइन थी, जीरो इससे आगे चला गया, कितनी लाइन आगे गया, 1 2 3 4 ये 5, 5 लाइन आगे चला गया। तो हमने 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया और जो वैल्यू हमें बताई स्क्रू गेज ने उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये नेगेटिव एरर और पॉजिटिव जीरो एरर होता है। आप थोड़ी सी एनिमेशन से देख लेते हैं कि क्या ये वाकई ही जीरो एरर एग्जिस्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्रू गेज लिया और देखा कि ये इस पे मेन स्केल भी है और सर्कुलर स्केल भी है, ठीक है। अब इसको हमने सर्कुलर पाथ में मूव करवा कर स्पिंडल और स्टड का जो दरमियानी फासला था उसको क्या किया, मिनिमाइज किया, यानी कि बिल्कुल क्लोज कर दिया। अब ये देखें, ये है स्केल की, यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये है इसकी मेन लाइन, इससे जीरो क्या है, अभी पीछे है। तो ये एरर कौन सा हुआ फिर, ये एरर हुआ पॉजिटिव। और कितने पॉइंट से ये पीछे रह गया, ये आप देखें 4 पॉइंट्स पीछे रह गया, ठीक है। यानी कि अभी जीरो 4 पॉइंट्स ऊपर जाना था तो 4 पॉइंट्स पीछे रह गया, तो इसकी ये जीरो एरर हुआ पॉजिटिव। और कितने से हुआ, 4 से। तो हमने क्या किया, ये देखें दोबारा देखें, ये जीरो और ये इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये 4 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो हमने 4 को लिखकर इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि एरर के वक्त आई थी, यानी कि 4 का डिस्टेंस था, इतनी लेंथ हमें एक्स्ट्रा मिलेगी पैमाइश के दौरान, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो एक्चुअल लेंथ होगी उसमें से ये माइनस कर देना है, तो ये जीरो करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। हमारी ऑब्जर्व लेंथ जो हमने फाइंड की उस वक्त, ऑब्जर्व की ऑब्जेक्ट की, उसमें से जो एक्स्ट्रा लेंथ थी वो माइनस करेंगे तो हम एक्चुअल पोजीशन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो 4 जो है वो प्लस में था जीरो एरर, ये देखें एरर जो है 4 था, उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और कुरेक्शन क्या करनी है, आपने कुरेक्शन नेगेटिव होगी, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया एरर पॉजिटिव, कुरेक्शन नेगेटिव, एरर नेगेटिव कुरेक्शन पॉजिटिव होगी। अब फिर देखते हैं, अब दोबारा मूव किया हमने तो कुछ वैल्यू आगे चलेगी, यानी कि जीरो आगे चला गया और कितने डिजिट आगे गया, ये थी मेन लाइन पे जीरो, 1 2 3 4 5 डिजिट आगे चला गया। तो जो लेंथ हम एक्चुअल ऑब्जर्व करेंगे उसमें से हम 5 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। और उसमें से 5 को, सॉरी, अगर ये नेगेटिव है तो ऐड कर देंगे क्योंकि इतनी वैल्यू जो है हमें कम मिलेगी। तो एरर क्या हुआ, 5 × 0.01 मिलीमीटर, तो करेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू में हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब डिजिटल स्क्रू गेज भी आ चुके हैं जिसमें जीरो एरर का केस ही खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। इसमें जीरो एरर, जीरो करेक्शन को करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है। दरमियान में ये आपको नजर आ रहा है ना, ये डिजिट लिखे हुए हैं, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रखेंगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा, ठीक है। इससे हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, जीरो एरर की टेंशन नहीं होती, जीरो करेक्शन की टेंशन नहीं होती, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो बताता है वो हमारे कारआमद होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को स्क्रू गेज में रख कर मैयर कर लेते हैं। हमने 9th में अभी तो पढ़ा स्क्रू गेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पर हमारा टॉपिक खत्म हो चुका हुआ है। लेकिन मैं आपको कुछ बेहतर तरीके से गाइड करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप अपने जहन में सिर्फ ये ना बिठाएं कि स्क्रू गेज सिर्फ एक टाइप का होता है जिसकी डायग्राम आपको नजर आ रही है आपकी बुक के अंदर, या आप अक्सर स्क्रू गेज नेट पर सर्च करते हैं तो एक किस्म का स्क्रू गेज आ जाता है जो मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन स्क्रू गेज बहुत सी टाइप्स के होते हैं, आपने अपने जहन में रखना है कि स्क्रू गेज एक टाइप का नहीं होता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मुख्तलिफ टाइप्स के स्क्रू गेज होते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये सारे के सारे स्क्रू गेज हैं, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर याद करना है तो कोई मसला नहीं, आप याद कर सकते हैं, ये आपके फायदे की बात है। लेकिन अगर आपने बस समझने की हद तक देख रखना है तो फिर भी इसको देखिए, क्योंकि आपके माइंड में आज ही ये तसव्वुर, आज ही ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि स्क्रू गेज सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, बहुत सी टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पहला डिस्कस करते हैं जिसे आउटसाइड
माइक्रोमीटर कहा जाता है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर करता है क्या? देखें, आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज्ड टू मेजर द थिकनेस और आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ स्मॉल बॉल। ये एक बॉल है, इसका बाहर का डायमीटर कितना है उसकी मेजर करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। ये लेंथ भी बता देता है, डायमीटर भी बताता है और रेडियस भी बताता है। इसके बाद आ जाता है वी एनविल माइक्रोमीटर, यानी कि वी एनविल स्क्रू गेज। क्या होता है? किसी भी टूल्स की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कटिंग टूल्स होते हैं, जो कि हमारे अक्सर खराद मशीनों में मुख्तलिफ शेप्स की चीज़ें बनती हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक प्रिज्म है, तकोन, तकोन टाइप, ठीक है। इस तकोन टाइप को यहाँ से लेके, यानी इसके कॉर्नर से लेके यहाँ से और नीचे तक का डिस्टेंस कितना है, इसको हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में रखेंगे और यहाँ से हम रैचेट के जरिए इसको टाइट करके इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो इस मकसद के लिए वी एनवल इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ अलग किस्म की शेप्स का लेंथ और उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वी एनवल। इसके बाद हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर आ जाता है। ये डिजिटल माइक्रोमीटर सिंपल, आप अभी आपको मैंने दिखाया, ये क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है, क्योंकि इसके ऊपर नंबर्स आ रहे होते हैं, डिजिट्स आ रहे होते हैं। आपने जब रैचेट के जरिए टाइट करना है तो इसने नंबर्स को डिस्प्लेस कर देना, हमें पता चल जाएगा। तो डिजिटल माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ और डायमीटर ऑफ अ थिकनेस ऑफ डायमेंशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन और उसकी थिकनेस और उसका डायमीटर और उसका रेडियस मेजर करने के लिए ये डिजिटल स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंशियल स्क्रू माइक्रोमीटर या डिफरेंशियल स्क्रू गेज। ये क्या काम करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो उसके दरमियान में फासला कितना है और उतना ही फासला हमने नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट के दरमियान में रखना है। तो एक जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और एक जैसा डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ये स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंशियल स्क्रू गेज इज अ मैकेनिज्म यूज फॉर मेकिंग अ स्मॉल प्रिसाइज एडजस्टमेंट टू द स्पेसिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में खास स्पेस देनी है और वो स्पेस बराबर की देनी है या कितने पॉइंट्स बढ़ा के देनी है, उसके लिए ये डिफरेंशियल माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में रखना है, तो उसके लिए ये डिफरेंशियल स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा बेंच माइक्रोमीटर। बेंच माइक्रोमीटर क्या होता है? ये ज्यादातर शीट की थिकनेस, वायर की थिकनेस, ठीक है, और कार्डबोर्ड की या मेटल की या प्लास्टिक शीट्स की थिकनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द बेंच माइक्रोमीटर इज प्रिसाइज मैन्युफैक्चर टू इंश्योर दैट इट्स अवेलेबिलिटी फॉर मेजरिंग अ फ्लैट शीट मटीरियल सच एज प्लास्टिक फिल्म, पेपर, कार्टन बोर्ड, कॉटरेज बोर्ड और वेरियस अदर फ्लैट मटीरियल, ठीक है, कैरोगेटेड बोर्ड जो होते हैं, उनकी मेजरमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे है बेंच माइक्रोमीटर। बेंच माइक्रोमीटर क्या काम करता है? आगे है हमारा बेंच माइक्रोमीटर। बेंच माइक्रोमीटर किस काम आता है? देखें, बेंच माइक्रोमीटर इज प्रिसीजन मैन्युफैक्चर टू इंश्योर अ सूटेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फ्लैट। आगे है हमारा बेंच माइक्रोमीटर। बेंच माइक्रोमीटर क्या काम करता है? बेंच माइक्रोमीटर जो होता है फ्लैट शीट्स, ठीक है, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक फिल्म, कैरोगेटेड बोर्ड जो होते हैं या वेरियस टाइप के अदर फ्लैट मटेरियल्स जो होते हैं, उनकी थिकनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये शीट्स प्लास्टिक की हो या कैरोगेटेड गत्ते की हो, कार्डबोर्ड की हो, ठीक है, या किसी प्लास्टिक की कोई फिल्म हो, उसको इसमें दरमियान में प्लेस करते हैं और ये हमें वैल्यू बता देता है। तो इसे कहते हैं बेंच माइक्रोमीटर। इसी तरह नेक्स्ट है इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर जो डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि किस किस काम आता है स्क्रू गेज, तो इसी तरह ये स्क्रू गेज जो होता है दरमियानी डिस्टेंस, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के दरमियान में होल कितना है उसकी मेजरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर क्या है? इनर डायामीटर या इनर रेडियस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ये क्या काम करता है, ये देखें, आपने नट बोल्ट को देखा होगा, ठीक है, पेच को देखा होगा, उसके दरमियान में जिसे हम कहते हैं चूड़ियां डली होती हैं, ठीक है, उसकी जो पिच होती है उसे कहते हैं थ्रेड। उस थ्रेड में कितना फासला होता है, उस थ्रेड में उसकी गहराई कितनी है, उसको मेजर करने के लिए ये क्या किया जाता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये एक क्रस्ट, ये ऊपर का और नीचे वाला ट्रफ होता है, ठीक है, और एक ट्रस्ट और एक क्रफ के दरमियान में ऊंचाई कितनी है वो, और उनके दरमियानी फासला कितना है, उसको मेजर करने के लिए ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है डेप्थ माइक्रोमीटर। ये भी आगे दिखाया आपको, डेप्थ माइक्रोमीटर किसी ऑब्जेक्ट की गहराई को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये कितना गहरा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करेंगे। इसमें से ये आयरन का की एक पतरी निकलती है, एक आयरन का रॉड निकलता है, जो कि सीधा उस डेप्थ में एंटर हो जाता है और उसकी बेस को जाके जब टच करता है, तो उस वक्त हमें रैचेट से मूव कर रहे होते हैं और थिम्बल में से नॉकिंग साउंड आता है कि इस वक्त जो आयरन रॉड था वो मैक्सिमम बेस को जाके टच कर चुका है। तो उस वक्त हमें यहाँ से इसकी रीडिंग मेजर करके पता चल जाता है कि इस वक्त उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है। नेक्स्ट है हमारा थिकनेस माइक्रोमीटर। ये वही काम करता है जो पीछे बेंच माइक्रोमीटर करता है। ये ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये मुख्तलिफ पार्ट्स में इस्तेमाल होता है, जो पार्ट्स हमारी व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे है माइक्रोमीटर विद इंटरचेंजेबल एनविल्स। इंटरचेंजेबल एनविल्स किस काम आते हैं, यानी कि इसके हम एनविल्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जब हम बड़ा एनवल लगाएंगे तो वो छोटी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होगा, और छोटा एनवल लगाएंगे तो वो बड़ी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होगा। और ये किस तरीके से और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ये हेड की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये रिवेट है, ये आपका ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है जो कि प्लास्टिक या आयरन शीट में एक हैमर्स के जरिए या गन के जरिए स्ट्राइक कर जाता है और उसके जाके फिक्स हो जाता है और वहां पे ऑब्जेक्ट को जोड़ देता है। तो जिन नेल्स के हेड होते हैं उन हेड की मेजरमेंट के लिए भी वी एनवल माइक्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बताता है कि उसकी बेस से लेके हेड का ऊपर वाले पोर्शन का डिस्टेंस कितना है। आगे आ जाता है इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमेंशंस बताता है। जैसे कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर की डायमेंशन हाइट कितनी, लेंथ कितनी, विड्थ कितनी और डेप्थ कितनी है, तो उसकी उसकी डेप्थ को, उसकी इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट माइक्रोमीटर्स थे, डिफरेंट स्क्रू गेज थे, जो कि हमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पैमाइश देते हैं और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को पैमाइश को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक अपने अपने हिसाब से मेजरमेंट करके देता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, जिसको हमने तफसीली पढ़ लिया है। और सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त हमने देखा कि ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसका स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद फिर हमने इसका पैमाइश में ज़ीरो एरर पढ़ा, और ज़ीरो एरर के बाद हमने एनिमेशन से भी देखा कि किस तरह का ज़ीरो एरर होता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर जिसकी करेक्शन नेगेटिव होती है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर जिसकी करेक्शन पॉजिटिव होती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा इसका लीस्ट काउंट कितना है, और लास्ट में हमने इसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया। तो ये ऑल अबाउट जो है वो स्क्रू गेज था। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो या कोई टॉपिक या कोई लाइन समझ ना आ रही हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप यहाँ पर कॉल करके, एसएमएस करके या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी के मुताबिक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।